सर मैं सुबह उठ नहीं पाता। सर मॉर्निंग मोटिवेशन पे वीडियोस बनाइए। सर आप मॉर्निंग मोटिवेशन पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते? सर कोई ट्रिक बताइए ना जिससे हम सुबह सुबह उठ जाए। तो लो आ गया आप सबका मॉर्निंग मोटिवेशन, और ऐसा मोटिवेशन है ना जिसको देखने के बाद और किसी भी मॉर्निंग मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ खास है, कुछ अलग है इस वीडियो में। हो सके कि आपको लगे कि क्या पागलपन है ये, तो कोई बात नहीं यार, हम पागल ही हैं। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। सुबह उठना है ना, ये वीडियो देखो, सुबह 4 बजे उठोगे। सुबह 4 बजे उठने के 5 दमदार तरीके, सुबह उठने को मजबूर हो जाओगे, खून खौल उठेगा तुम्हारा, वगैरह वगैरह। यार सच बताऊं तो ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता ये मॉर्निंग मोटिवेशन के वीडियोस देखने से। हाँ ऐसी वीडियोस देखो जो सुबह तुम्हें अच्छा फील कराए, लेकिन ये सुबह उठने का 5 नहीं 1000 तरीका भी कोई बता देना मेरे भाई, फिर भी आप ज्यादा दिन तक उस चीज को नहीं अप्लाई कर पाओगे, और आपका वो सारा वीडियोस देखना वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज तक कोई भी मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियोस नहीं बनाया। यार एक बात बताऊं, कड़वा है मगर सच है, जिसको उठना है ना उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप माँ को देख लो, किसके वीडियोस देखती हैं वो कि सुबह सबसे पहले वो उठ जाती हैं। उन्होंने तो किसी के वीडियोस नहीं देखे फिर भी वो उठ जाती हैं, है ना अजीब बात। तो यार बात ये है ना कि तुम्हारा सुबह सुबह उठना और मॉर्निंग मोटिवेशन के वीडियोस देखने में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी नहीं। जिसको उठना है ना वो उठ जाता है, जिसकी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य होगा ना उसको किसी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको कुछ करना है जिंदगी में, जिनके सर पर जिम्मेदारियां हैं, बोझ है, वो खुद उठ के अपने काम में लग जाते हैं, किसी वीडियो का इंतजार नहीं करते कि आदर्श भाई वीडियो बनाएंगे तब जाके मैं सुबह उठूंगा। तो अगर सच में सुबह उठना है ना तो जाओ, सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ। वो लक्ष्य क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, लिखो, और सिर्फ लिखो ही नहीं बल्कि उसको महसूस भी करो। सोचो कि अगर तुम्हारे सपने नहीं पूरे हुए तो क्या होगा। जिन दोस्तों के सामने तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन दोस्तों के सामने तुम बोलते थे कि ये करूंगा वो करूंगा, उनको क्या जवाब दोगे? सोचो। और अगर तुम देख सकते हो अपनी माँ के आंसू, अगर तुम देख सकते हो अपने पापा के चेहरे की लाचारी, अगर तुम देख सकते हो अपनी फैमिली की उम्मीदें टूटते हुए, तो अगर देख सकते हो खुद के सपने टूटते हुए, तो अगर देख सकते हो खुद से किए गए वो वादों को टूटते हुए, यार सच में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सुबह उठने की, कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, चादर मुंह पे डालो और सो जाओ, यही तो जिंदगी है ना यार, सो जाओ। कहते हैं ना कि वो मजा नहीं है दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सोने में, तो इस लाइन को सच करो। भले ही तुम्हारे पापा के हथेलियां घिस जाए काम करते करते, भले ही तुम्हारी तरक्की देखने के लिए तुम्हारी माँ के आंसू सूख जाए, तुम उठना मत, सोते रहना, बस मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियोस देखो और सो जाओ आराम से। यार 100 बात की एक बात, सोने के 1000 बहाने और जागने के सिर्फ एक वजह ही काफी, लेकिन जब वो वजह तुम्हारी नींद से बड़ी होगी तब तुम्हें किसी भी मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे खुशी तब नहीं होगी जब आप ये मेरी वीडियो दोबारा देखने आओगे, बल्कि खुशी तब होगी ना जब आपको मेरी इस वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। उस दिन मेरा ये पहला और आखिरी मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो यार इंतजार किस बात का, जल्दी से इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनके भी आंखों के जो पट्टी बने हैं ना वो खुल जाए। सब अभी तक भ्रम में थे, तोड़ दो सबका भ्रम और खुद का भी, दबा के शेयर करो यार, क्योंकि हम अकेले इस देश को एम्पावर नहीं कर सकते, मुझे आप सबकी जरूरत है। तो कम ऑन, पहुंचाओ इस वीडियो को हर एक कोने में। अगर पसंद आई है मेरी आवाज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करो जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी सोचा था। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।